बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या जैसा आपको मालूम है कि हमें फ़र्स्ट टाइम टेस्ट नेशन मिले और फर्स्ट इनॉग्रल टेस्ट इंडिया के साथ है। इंडिया आपको पता है वर्ल्ड नंबर वन टीम है, स्पेशली इंडिया में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो बहुत इंतज़ार है इस दिन का कि हम टॉस पिंक और मैच खेल लें। तो ये तो हर एक प्लेयर का ख्वाहिश होता है कि वो आके इनॉग्रल टेस्ट खेले, और क्योंकि एक हिस्टोरिकल मैच होता है। पहले जब हम जब छोटा हुआ करते थे तो क्रिकेट हमारा एक शौक था, हम लोग बहुत शौक से खेलते थे, एक शौक के लिए खेलते थे। तो ऐसे जब हम खेल रहे थे आगे आके 17 में आ गए हम, उसके बाद नेशनल टीम में आ गए, तो एक शौक एक प्रोफेशनल में बदल गया। तो बहुत स्ट्रगल किया हमने उस टाइम, क्योंकि ना कुछ फैसिलिटीज़ थी क्रिकेट में, ना कुछ था। तो फिर जब हम खेलने लगे अपनी कंट्री के लिए, तो हमारा एक ड्रीम होता फिर कि हमें आके एक दिन ये टीम को वनडे स्टेटस दिलाए, उसके बाद हम इस सेट बन गए, फिर एफिलेट से सेट आ गए, फिर हमने कोशिश किया कि हमारा टेस्ट नेशन बन जाए। वो सब ड्रीम जो हमने सब प्लेयर्स ने देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया। जैसे आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, अब हर प्लेयर का अपना खेलने का अपना अंदाज़ होता है। मैं जब भी जाता हूँ शुरू में कोशिश करता हूँ अपने आप को सेट कर लूँ, क्योंकि मुझे जिस तरह मैं क्रिकेट खेलूँ मुझे अपने आप पर फिर एतमाद होता है कि मैं जब सेट हो जाऊँ तो जिस तरह भी बोलो फिर मुझे खेलने में आसानी होती है। तो इसलिए मेरा यही एम होता है अक्सर कि मैं शुरू की जाके अपने स्टे कर लूँ, अपने आप को सेट कर लूँ, उसके बाद जो है ना अपना इनिंग्स बढ़ा दूँ। तो ये मेरा स्टाइल है बहुत पहले से ही, तो इसमें मेरा बहुत फोकस भी और मेरा बहुत बिलीव भी। जब मैं स्पेशली पहले क्रिकेट खेलता तो मुझे जब मैं छोटा हुआ करता था, तो जब मैंने सनत जिया सूर्य को देखा तो मैंने अपना क्रिकेट स्टार्ट वहाँ से किया है 1996 से। उस वक्त मैं बहुत छोटा होता था, मेरे भाई जो थे सब क्रिकेटर थे, तो मुझे क्रिकेट का कोई शौक ही नहीं था। जब मैं क्रिकेट खेलने लगा तो मुझे जैकेलस मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जब और क्रिकेटर बन गया तो मुझे मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान का जो प्लेयर था वो बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था टेक्निकल वाइज। तो उसी वजह से मुझे खेलने का उसको मैं देख के खेलता था, जिस तरह वो खेलता तो मुझे वो उसके अप्लाई कर रहा था कि इस तरह मैं खेलूँ जिस तरह वो खेलता है। तो उसी वजह से मैं उसको देख के मैं चाह रहा था, उस तरह मैं ट्राई कर रहा था, उस तरह मैं एफर्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं वैसे क्रिकेट खेलूँ। या अक्सर हमारे प्लेयर जो बहुत अग्रेसिव, स्पेशली शहजाद राशिद बहुत अग्रेसिव हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा काम हो जाओ। दरअसल में मसला ये होता है कि जब आप प्लेयर होते हो तो आप अग्रेसिव होते हो, जब आप कैप्टन बन जाते हो तो एग्रेशन जो थोड़ा काम हो जाता है। तो पहले हम भी बहुत एग्रेसिव थे, मजाक भी करते थे, गुस्सा भी करते थे। तो ये जब से कैप्टन बना हो तो ये सब चीज़ें एक तरफ चली गई, क्योंकि आपको टीम लीड करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता है। मगर कैप्टनसी एक चीज़, लीडरशिप एक ऐसा चीज़ है कि आपको ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है।